ओम शांति। आज 2 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है, रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं, तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्तिधाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है, तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ, वहां कौन ले जाते हैं, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी ताली ना ही टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तुम आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहां के लिए नहीं। यहां जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूल चंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र को
दान देना चाहिए, वह अक्ल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं, उनको देना वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो यह धंधा है, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो, तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, यह है ही कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहां देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए, यह तो सब कहते हैं पतित पावन। अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही पांच विकारों से, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतुप्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है, और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। प्रालब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तुम याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। यह ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं, भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं, अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते, क्या आधा शरीर है। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या, उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद
फिर पवित्र बनती है, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिए हैं, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो, हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वह हैं जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वह हैं कलयुगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवाले में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राज योगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है। मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर
राय देता हूँ पावन बनने की, तुम भी एडवाइजर हो। मुक्तिधाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो, टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है। वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई, माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बरोबर। इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा व प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे। जो यहाँ के होंगे तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बिचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बिचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की, कोई ना सुने बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरा, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रही कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो, जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है सर्वप्रतिम